हाई वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स एंड इफ यू आर न्यू माई चैनल्स यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू मे गेट द न्यू अपडेट्स। तो आइए आज हम लोगों का पेपर 12th का जो है एनालिसिस को देखेंगे और आप लोग थोड़ा सा हमसे नाराज होंगे जरूर, समझिए ना, लेकिन आप लोग जो है देखिए एग्जाम है बाबू, वो 100% आप खोजिएगा तो नहीं होगा। और आप लोग जुमा जुमा 8 दिन पढ़ते हैं और सोचते हैं कि आप पूरा हम अच्छा कर लेंगे, नहीं, बच्चे लोग जो है सिलेबस को 7-8 महीना जो पढ़ते हैं ना वही अच्छा स्कोर कर पाते हैं। कोई ब्रह्मा का यहाँ पर लकीर नहीं है, आपको मैं गैस क्वेश्चन ही कर सकता हूँ, समझिए ना। अब रह गया पहले हम लोग MCQ का चर्चा करेंगे। तो MCQ में आपका क्या था कि अगर आप वो सारा क्वेश्चन अगर पढ़े होंगे आप लोग जो MCQ जो द्वारा दिया गया था आपका जो PDF हो गया और YouTube में भी हो गया, तो ये जरूरी नहीं कि टू द पॉइंट आएगा, लेकिन अगल बगल से क्वेश्चन आया हुआ है और मैं खुद ही एनालिसिस किया हूं कि 4 क्वेश्चन जो है UGC नेट लेवल का प्रोफेसर लेवल का आप लोगों का आ गया था, जो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा आप लोगों को। लेकिन जो भी अगर 6-7 अगर आप लोग किए होंगे MCQ ऑब्जेक्टिव सही, तो आप जो है काफी अप्रिशिएटेबल हैं, काफी आपको अप्रिशिएट मैं कर रहा हूं। अब रह गया शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन का लैंग्वेज को घुमाया है डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कह रहे हैं कि सर मैंने कमेंट में पढ़ा कि सर बहुत सारा आप जो है बोल रहे थे कि आप जो है 50 रुपया नहीं खर्च कर सकते हैं 50-50 लाख रुपया कमाने के लिए, आप कैसे सोच रहे हैं। तो मैं सही चीज बोल रहा हूं, आप लोगों का जीवन का एग्जाम में पास करना है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डियर स्टूडेंट एक को आपका लाखों करोड़ों रुपया का रहता है, क्योंकि जब सिलेक्शन आपका होगा ना और एक नंबर के लिए आप छटिएगा ना तो बड़ा दुख और दर्द होगा उस समय, समझिए ना। इसीलिए आप लोग का अभी ये एग्जाम में नहीं आया तो लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये मदद करेगा, समझिए ना। इसलिए आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस कर देना चाह रहे हैं कि सर क्वेश्चन आपका नहीं आया, तो देखिए क्या होता है ना कि क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न चेंज कर देता है, सिलेबस से वो बाहर कभी नहीं पूछता है। तो हम देख रहे हैं यहां पर, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट कैरेक्टर स्केच ऑफ एलिजा, ये पिग्मिलियन का था, बड़ा आसान था। आप बोलिएगा सर ये आपने गैस नहीं किया, तो ये कोनो मायने मतलब नहीं है। आप उतना बड़ा पिग्मिलियन का आंसर आप कर लिए तो एलिजा का कैरेक्टर नहीं कर सकते हैं, हो गया। अब रह गया ग्राहम ग्रीन एज ए नॉवलिस्ट, तो ग्राहम ग्रीन एज ए नॉवलिस्ट ना ही तो मैं पढ़ाया था ना ही तो गैस क्वेश्चन दिया था, इसके बदले मैं पिग्मिलियन पढ़ाता हूँ डियर स्टूडेंट्स। अब आ गया अर्ली 20th सेंचुरी पोएट्री, देखिए 20th सेंचुरी पोएट्री जो है आपको समझ का फेर था, समझिए ना आप लोग, 20th सेंचुरी ये पोएट्री का मतलब आपको आप समझ में नहीं पाए इसका मतलब क्या था, आपका मॉडर्न पोएट्री था डियर स्टूडेंट्स, समझे ना इसका मतलब क्या था, ये मॉडर्न पोएट्री आप लोगों को करना था 20th सेंचुरी पोएट्री, समझे ना, जिसमें आप लोगों को मैं बोला था कि इसमें इमेजिस्ट मोमेंट आ जाएगा, सिम्बॉलिस्ट मोमेंट आ जाएगा, न्यू मेटाफिजिकल आपका मोमेंट आ जाएगा और आपका ये जो है मॉडर्निज्म आ जाएगा। तो 20th सेंचुरी पोएट्री में अगर लोग कोई अगर लिखा होगा और इसमें वार पोएट्री भी आ जाएगा, समझिए ना। तो ये 20th सेंचुरी पोएट्री मतलब व्हाट क्या, 20th सेंचुरी में यहां पर लैंग्वेज केवल चेंज कर दिया, मॉडर्न पोएट्री के जगह में 20th सेंचुरी कर दिया, तो वो कुछ नहीं। और मैंने 100% दावा भी किया था कि मॉडर्न पोएट्री आ रहा है, और आप लोग अगर भटक गए होंगे नहीं समझ में आया होगा तो फिर आपको ये आपकी गलती है, समझिए ना। आप लोग चाहते हैं कि हम 2 और 4 दिन में जहां को जीत ले, तो बड़ा मुश्किल है ना। यहां पर लोगों को 5-5, 6-6 महीना मैं क्लास देता हूं, उसके बावजूद भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, समझिए ना। तो आप लोग जुमा जुमा 8 दिन में कितना आप जो है अच्छा
अच्छा कर लेंगे, है ना। तो अगर अभी हमारा जो है अगर सिक्स सेमेस्टर का बैच भी चालू होगा तो फिर आप लोग वही गलती करेंगे, समझिए ना। क्या करेंगे, बोलेंगे लास्ट सेमेस्टर है अपने से लिख करके पास कर जाएंगे, समझिए ना, और आप लोग सिक्स का भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं बता देता हूं कि आप लोग अपना पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। कल आप लोग जो है जब आपका पीजीटी का टीजीटी का जब वैकेंसी आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो आप अच्छा नहीं करेंगे, वही बच्चा अच्छा करेगा जिसको अच्छा से सेमेस्टर वन से जो आपका गाइडलाइन हुआ है। अभी आप सीयूटी का सिलेबस में निकाल करके देख सकते हैं कि सब सेमेस्टर आपका वन का आधा 50% जो है सीयूटी में पूछ रहा है। तो आप लापरवाही किए तब ना आप आज अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, समझिए ना। तो वही कहने का मतलब है कि अब सीयूटी का भी आपका बैचेस चालू हो जाने जा रहा है, उसमें जिनको एडवांटेज लेना होगा तो आप ले सकते हैं। और आपका कुछ पढ़ाया मैंने और पढ़ाया सीयूटी का पढ़ाने में हमको 2 महीने का समय चाहिए, आपका पूरा एकदम क्लियर कर देंगे। और सिक्स सेमेस्टर का भी बैचेज स्टार्ट होगा और इस बार जो है फी बहुत कम रख दिया गया है आप लोगों को, मात्र जो है अगर एक बार में करते हैं तो 2,000 रुपया लगेगा, इसके लिए फिर से नोटिफिकेशन जाएगा। चलिए आप लोग, हम लोग काम की बातें करेंगे। तो ये मॉडर्न पोएट्री में अगर कोई लिखे होंगे आपका 20th century वाला तो बहुत अच्छा है, समझिए ना। तो ये मैंने दिया था, अब लैंग्वेज चेंज कर दिया। अब आपका सी में आपका द इन्फ्लुएंस ऑफ वार ऑन फिक्शन, देखिए इन्फ्लुएंस ऑफ वार ऑन फिक्शन, है ना। ये क्या लिखना था इसको समझिए आप, समझिए ना। आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन दिया था, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड, समझिए ना, ये वाला देखिए। तो द इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड में आप लोगों को मैंने बताया था द इंपैक्ट ऑफ पोएट्री कैसे पढ़ा, और इंपैक्ट ऑफ वार का पोएट आपका जो है नॉवेल आपका फिक्शन पर कैसे पढ़ा, और फिक्शन और नॉवेल कमोबेश एक ही चीज है आपका, और फिर वार का प्रभाव जो है आपका ये पोएट्री पर कैसे पढ़ा, ड्रामा पर कैसे पढ़ा, तीनों चीज उसमें था। तो आप लोगों को एक पार्ट लिखना था आपका कि ये वार ऑन फिक्शन, वार ऑन नॉवेल बोलिए या तो आपका फिक्शन बोलिए, ये वाला था। आप लोग जो है समझ नहीं पाए, और बहुत लोगों ने जो समझा होगा वो अच्छा किया होगा डियर स्टूडेंट। द इन्फ्लुएंस ऑफ वार मतलब कि आपका वार का क्या प्रभाव पड़ा किसके ऊपर, फिक्शन के ऊपर, समझिए ना। तो द इंपैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार में आपका 3 कैटेगरी बांटा गया था, इंपैक्ट ऑफ वार ऑन पोएट्री, इंपैक्ट ऑफ वार ऑन फिक्शन और नॉवेल, इंपैक्ट ऑफ वार ऑन आपका ड्रामा। लेकिन आप लोग समझ नहीं पाए डियर स्टूडेंट्स, और आप लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं आया। लैंग्वेज एग्जाम का नियम है डियर स्टूडेंट्स, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में और हायर एग्जामिनेशन में आईएएस वगैरह में और जेपीएससी वगैरह में क्या करता है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देता है, आपका वो माइंड को रीड करना चाहता है। लेकिन आप लोग जो है ना, आप लोग सोचते हैं कि आज हम रटेंगे कल उगल देंगे उसमें और हो जाएगा, वैसा नहीं होता है, समझिए ना। आप लोग ऑनर्स का विद्यार्थी हैं, कल हो करके आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, आपके पास डिग्री आ जाएगी, लेकिन नॉलेज नहीं आएगा आपके पास। तो आप बोलिएगा सर इंग्लिश ऑनर्स करके मैं बेकार पड़ गया। अभी जो है आप लोग देखिएगा कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी झारखंड के लिए आया हुआ है कि आपका झारखंड में जूनियर ट्रांसलेटर का अभी वैकेंसी आया हुआ है, समझिए ना, जिसका आपका 50,000 से 60,000 रुपया पेमेंट का है उसमें, और उसमें केवल इंग्लिश ऑनर्स और हिंदी ऑनर्स वाले लोग भर सकते हैं। आपका उसमें डियर स्टूडेंट ना मैथमेटिक्स का जरूरत है, ना ही तो रीजनिंग का जरूरत है, ना ही तो आपका जीएस का जरूरत है, केवल हिंदी ग्रामर आपको अच्छा होना चाहिए और इंग्लिश ग्रामर अच्छा होना चाहिए, आप वैकेंसी को आप भर सकते हैं जो अभी निकला है। आप इंग्लिश ऑनर्स के लिए खास तौर पर ये
व्यवस्था होगा। हिंदी ऑनर्स वाले लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि इंग्लिश ऑनर्स वाले लोग हिंदी में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट जो है हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं तब इंग्लिश लेते हैं, समझिए ना। तो ये आपका है, हाँ, लेकिन ट्रांसलेटर वाला वही लोग भर सकते हैं जो एमए इंग्लिश से किए हैं, समझिए ना। और आप लोग बोल रहे थे कि सर एमए नहीं करना है, तो आप अपना पैर में बहुत बड़ा कुल्हाड़ी मारिएगा। आप एमए नहीं कीजिएगा तो हमारा उससे कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन मैं एक टीचर होने के नाते मैं आप लोगों को गाइडलाइन करूंगा कि आप एमए नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं आप जो है। बहुत सारा मेरा विद्यार्थी लोग जो है, मैं बोला था 2018 और 19 के बैच वाले लोगों को कि एमए कर लो, लेकिन एमए नहीं किया। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि अगर आप एमए नहीं करेंगे तो आपका इंग्लिश ऑनर्स करना बेकार हो जाएगा, समझिए ना। इसलिए एमए करना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स, है ना। अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए ये ऐप में क्वेश्चन पूछा था, जस्टिफाई आर्ट नेवर आपका इंप्रूव्स बट ओनली डेवलप्स। कहता है कि आर्ट जो है ना नेवर आपका इंप्रूव्स, कला जो है ना कभी सुधरता नहीं है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, केवल डेवलप किया जाता है। ये आपका जो है टीएस इलियट का लाइन है, टीएस इलियट का है ना, जो आप लोग ऑलरेडी ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट में पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट। पिछले बार मैं गलती से बोल दिया था कि ये पिग्मेलियन का था, उस समय मैं सेंट कोलंबस में बाहर में बना रहा था यूट्यूब वीडियो इसलिए। लेकिन आप लोगों का ये जो है लाइन जो है आर्ट नेवर इंप्रूव्स बट ओनली डेवलप्स, ये जो है आपका टीएस इलियट का लाइन है। तो लगभग क्वेश्चन तो आपका लिखने लाइक तो आया ही है, चार क्वेश्चन आपका एक पिग्मेलियन से लिखने वाला है था, और वार फिक्शन जो है आपका लिखने वाला था, आपका ये वाला लिखने वाला था डियर स्टूडेंट्स, और 20th सेंचुरी पोएट्री था, लेकिन आप लोगों का लैंग्वेज समझ में नहीं आया, जिसके कारण आपको भुक्तभोगी हो गए। इसलिए पहले बोला जाता है कि अगर आप लोग जो है यू डोंट मिस योर चांसेस, मैं 19 फरवरी से आप लोगों का जो है आपका क्लासेस सेमेस्टर 6 का मैं चालू करने वाला हूं, और जब अभी सीयूटी और सेमेस्टर 6 का दोनों का क्लासेस चलेगा, अगर दोनों को अगर लोग करना है क्लासेस तो आपको 2500 रुपया लगेंगे, और इससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा। और आपका ये किसका 19 आपका फरवरी से क्लासेस चालू हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारा एक यूनिट में दो दो बुक्स पढ़ना है, समझिए ना। इसलिए एक आपका आपका चार आपका जो रहेगा 40 नंबर का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रहेगा, बाकी आपका तीन तीन बुक जो है एक एक मतलब किताब में पढ़ना है, और डीएससी पेपर भी इसमें होगा। तो हम लोगों का ये आप लोगों का एग्जाम जो बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि आपको गाइडलाइन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत भला तो सब भला, समझिए ना। इसलिए लास्ट में आप लोग नहीं छोड़िएगा। तो आइए आज हम लोगों का जो डीएससी पेपर 1 का कुछ क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस कर लेंगे, एनालिसिस नहीं गैस क्वेश्चन को देखेंगे, जो आप लोगों का एग्जाम में काफी काम आने वाला है डियर स्टूडेंट्स। अब मैंने थोड़ा सा बता दे रहा हूं यहां पर कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा जो क्या क्या आया था। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में जैसा मैंने बताया था एकदम सेम टू द पॉइंट आ गया है, एग्जामिन थीम्स ऑफ द पिग्मेलियन एंड टाइटल, देखो आपका आया है कि नहीं आया है, समझिए ना। और राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम आपका लव सॉन्ग ऑफ जेलफर्ड प्रूफ्रॉक का भी आया है, समझिए ना। ये क्वेश्चन आपका टू द पॉइंट आया है। और आगे हम लोग बात करेंगे आपका यहाँ पर ये ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट वाला भी आपका सेम क्वेश्चन रखा है डियर स्टूडेंट। तो मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो है ये क्वेश्चन आएगा, तो आपका तीन क्वेश्चन में तो आप लोगों को दो ही क्वेश्चन ने लिखना था, तो आपका तीन का तीन आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन आपका टेली कर दे रहा है तो कम बड़ी बात है। शॉर्ट का क्वेश्चन का कभी कभी माई बाप नहीं होता है, वो लॉन्ग से आपका क्या करता है, वो काट छाट करके देने का काम करता है। चलिए तो आगे जो गया सो हो गया, लेकिन नेक्स्ट बार से आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ये सेमेस्टर 1 और 2 का एग्जामिनेशन नहीं है। आपका जितना सीनियर का एग्जामिनेशन होगा वो लैंग्वेज चेंज कर देगा, आप पढ़े हुए रहेंगे समझे हुए रहेंगे तो आपके लिए होगा, समझिए ना, अच्छा होगा।
अब यहां पर हम लोग देखते हैं डीएससी पेपर नेचर एंड लिटरेचर में, है ना। तो नेचर एंड लिटरेचर में हम लोग का यहां से देखेंगे, कहते हैं नेचर एंड लिटरेचर, इसमें क्या है, यूनिट वन में आपका जो है चार क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप लोग कट छट नहीं करेंगे, चार का चारों क्वेश्चन यू हैव टू डू, आपको करना है। डिस्कस द रोल ऑफ नेचर इन द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ झारखंड, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, समझिए ना आप। मैं जब क्वेश्चन का एनालिसिस करूंगा आपका 13 फरवरी को, तो मैं आप लोग देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, और इसका मैं आप यूट्यूब पर वीडियो मैं बना दिया हूं, आप इसका यूट्यूब पर मेरा वीडियो जाकर के सर्च कीजिएगा, मिरेकल ऑफ लिटरेचर पर आपको मिल जाएगा, समझिए ना। और दूसरा क्वेश्चन डिस्कस नेचर एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, नेचर एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा है। डिस्कस पोजीशन ऑफ नेचर इन इंडियन कल्चर, नेचर का पोजीशन क्या है इंडियन कल्चर में, वो कह रहा है। डिस्कस नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी, नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी, आप लोगों को ये शॉर्ट भी पूछ सकता है और लॉन्ग भी पूछ सकता है, इसलिए दोनों यूनिट में आप लोग जो है जितना क्वेश्चन दिया जा रहा है आप सारा के सारा करके जाइएगा, इसमें आप लोग जो है गैस के ऊपर गैस क्वेश्चन नहीं करेंगे, समझिए ना, नहीं तो आप धोखा खाएंगे डियर स्टूडेंट, समझिए ना। अब यूनिट टू में अगर हम लोग बात करेंगे, यूनिट टू ओनली वन जो हमारा 40 मार्क्स का रहेगा, और फिर आपका यूनिट टू भी जो है 40 मार्क्स का रहेगा। अब देखो यूनिट टू हमारा ये लास्ट होगा, ये यूनिट टू में कहता है ब्रिटिश लिटरेचर, ब्रिटिश पोएट्री, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम, आपका द क्लॉड पोयम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछ रहा है, और उसी का अथवा में पीबी सेली एज ए रोमांटिक पोएट विथ स्पेशल रेफरेंस टू द पोयम आपका द क्लॉड। अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है एनालिसिस द मेटाफिजिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एंड्रयू मार्बल द गार्डन, समझिए ना, ये गार्डन पोयम करना है, और राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम आपका डैफोडिल्स हो गया, और राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम आपका टू द ओड टू द ऑटम का है, या तो फिर आपका क्वेश्चन कह रहा है अब्लुएट जॉन कीट एज ए पोएट ऑफ द रोमांटिक ट्रेडिशन, है ना। तो आप लोग यहां पर ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आपने तो सारा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन आप लोगों को इसमें क्या करेगा कि पोएट्री वाला कभी शॉर्ट में पूछ देगा डियर स्टूडेंट, समझिए ना, और लॉन्ग में भी पूछेगा। तो आपका जैसे कि आपका यहां पर देख रहे हैं टू डैफोडिल्स, ये हो सकता है कि 10 नंबर में पूछ दे, और फिर वो आपका 10 नंबर, ये आपका 15 नंबर में, 15 नंबर वाला जो है कभी 10 में पूछ देगा, और 10 नंबर वाला कभी आपका 15 नंबर में पूछ देगा। तो लॉन्ग वाला शॉर्ट में भी जा सकता है और शॉर्ट वाला लॉन्ग में भी जा सकता है, इसलिए एग्जाम के बाद नहीं बोलिएगा कि सर आपका वो टेली नहीं किया, समझिए ना। आप जितना पोयम है आपका द क्लाउड हो गया, और आपका द गार्डन हो गया, टू डैफोडिल्स हो गया, ओड टू ऑटम हो गया, ये सारा आप लोग जो है पढ़ करके जाएंगे, एंड यू हैव ए लॉट्स ऑफ टाइम टू प्रिपेयर योर एग्जामिनेशन राइट नाउ, आप लोगों के पास काफी समय है, तो आप लोग जो है वो उसका प्रिपरेशन करके जरूर जाएं, और फिर एग्जामिनेशन समाप्त होने के बाद मैं अगर आप लोगों को ये एनालिसिस करना होगा तो आप लोग जो है मिला सकते हैं तुरंत, और आप लोगों का बैच जो है ना सीयूटी का बैच में 19 फरवरी से आप लोगों को बैच चालू कर रहे हैं सुबह 8 से 9, जिसमें आपका दोनों चीज का चलेगा, एग्जामिनेशन सीयूटी के पहले आपका जो है सीयूटी का क्लासेस चलेगा, जैसे सीयूटी का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद सेमेस्टर 6 का आपका पढ़ाई चालू हो जाएगा। तो आप लोग जो है यू नेवर मिस फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज, इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग मिस नहीं होने दें डियर स्टूडेंट्स, और आप लोग जो है अच्छे से एग्जामिनेशन लिखें। और एक चीज और है कि आप क्वेश्चन को एकदम जरा सा भी ना छोड़ें, समझिए ना, आप कम लिखिए, लेकिन कम लिखिए, लेकिन क्वेश्चन को यू नेवर लीव एनी क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन, एंड सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि आपका डीएससी
इसी पेपर में आपका 12-12 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका बहुत ज्यादा खेला होगा। अगर आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बाय किए होंगे मेरा ऐप पर मिरेकल ऑफ लिटरेचर पर, तो अभी डाउनलोड कीजिए, अपलोड कीजिए और उसको 50 रुपया से 55 रुपया कर दिया गया है। पहले आप लोग खरीदे नहीं थे इसलिए, लेकिन अभी भी आप लोगों को वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, बस वो हाफ प्लेट चौमिन का ही दाम है डियर स्टूडेंट्स, ये ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, दैट्स ऑल।